नमस्ते मॉमीज, मैं हूँ सुप्रिया। आप सभी का स्वागत करती हूँ मदर ऑफ टू में। जब हम उपवास रखते हैं तब एक डिश कॉमन होती है, साबूदाना खिचड़ी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना खिचड़ी। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, इसे बनाना बहुत ईजी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सोख साबूदाना लिया है। साबूदाना कैसे परफेक्टली सोख कर सकते हैं इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। बॉइल पोटैटोस, शुगर, घी, सॉल्ट। यहाँ पर मैंने पीनट्स लिए हैं, उसको रोस्ट किया है और उसे हल्का सा क्रश कर लिया है। 4 चिलीज, ग्रीन चिलीज एंड क्यूमिन सीड। ऐड करूँ घी। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप घी यूज़ करो घी में बहुत अच्छी टेस्ट आती है। यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून घी यूज़ करूँगी। ऐड करूँगी क्यूमिन सीड, ग्रीन चिलीज, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम स्लो कर लेंगे। तब तक हम यहाँ पर साबूदाना में ऐड करेंगे और पीनट्स। सॉल्ट एंड शुगर। शुगर ऑप्शनल है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साबूदाने में पीनट्स एंड सॉल्ट डालने से वो इवनली स्प्रेड हो जाएंगे। बॉइल पोटैटो। अगर आपके पास पोटैटोस बॉइल करने का टाइम नहीं है तो आप कच्चे पोटैटोस भी डाल सकते हो, सिर्फ आपको उसको लीड रख के पकने देना है। इसमें ऐड करूंगी साबूदाना। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो 3 मिनट हो गए चलाते हुए, अब इसे लेड रख के मैं 5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। पाँच मिनट बाद हमारी खिचड़ी रेडी है। अगर आपको लगता है आपकी खिचड़ी पूरी तरह पकी नहीं है तो हल्का सा पानी का छींटा उस पर डाल सकते हो। थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। इसमें प्लेट में निकाल लूँगी। यहाँ पर खिचड़ी एकदम खिली खिली बनी है और ये खिचड़ी गर्मा गर्म ही खाने में मज़ा आता है। ये रेसिपी नेक्स्ट उपवास के दिन ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ये वीडियो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। स्टे ट्यून ऑन मदर ऑफ टू।